से एप्टीट्यूड कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं आज बताऊंगा कि मदरबोर्ड असेंबल कैसे करते हैं। तो चलते हैं, आज उसका मदरबोर्ड है हमारा। तो पहले ये रैम होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये काम करती है हमारा टेम्परेरी डाटा सेव करती है। तो हाँ दोस्तों, एक बात ख्याल रखिएगा कि इसके कट को देखिएगा लगाने से पहले कैसा लगता है। ये हमारा DDR2 की रैम है, ये देखो मैंने लगा दिया इसे। और दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप डबल रैम का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा PCI कार्ड होता है, जिसे हम एक्सपेंसिव कार्ड भी कहते हैं। ये सब यूज करते हैं जब जो PCI कार्ड होते हैं जब फुल आते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा कैरिज करते हैं। और देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, इसके कट को देखकर आप इसको देखो, मैंने लगा दिया ऐसा लगता है। और दोस्तों, ये हमारा प्रोसेसर होता है, ये इंटेल का प्रोसेसर है, और ये सॉकेट जो LGA 775 में सेट होता है। ये जो हमारा परमानेंट डाटा स्टोर करती है, और ये हार्ड डिस्क सेटा के हार्ड डिस्क है, पता कैसे चलता है इसके पिन से सॉकेट है। और मैं इसमें प्रोसेसर लगाता हूँ और ये लग गया। चलो दोस्तों, हार्ड डिस्क, ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, और इसका काम ये होता है कि हमारे डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। ये दो तरह की होती है, एक सेटा और एक पाटा। पाटा को हम IDB भी कहते हैं, और ये हमारा सेटा केबल है। लगाने से पहले आप तो देखें कि इसकी चिप टूट ना जाए। उसके बाद ये हमारा सेटअप पोर्ट होता है, ये कनेक्ट हो गया। हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो हमारा SCPS होता है, SCPS की वजह से हमारे वोअर मटरबोर्ड में करंट सप्लाई होता है। तो सभी कंपोनेंट के लगाने के बाद आप SCPS को लगा सकते हैं। उससे पहले अगर लगाते हैं तो अगर कोई कंपोनेंट खराब स्टेप हो सकता है। तो चलते हैं, CPU फैन जो कूलिंग काम करता है और प्रोसेसर के ऊपर लगता है। और ये जो मैंने आपको बताया था पेटा के हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क बोलते हैं, ये देखिए ये ऐसी होती है, पिंस वाली, इनमें पिंस होती हैं और सेट वाले में चिप होती है। तो दोस्तों, अब बारी है SCPS की। मैंने आपको पहले बताया था इसको लास्ट में लगाना होता है, तो चलिए लगाते हैं। अब हमने जो सेटा के हार्ड डिस्क थी, इसमें हमने करंट सप्लाई नहीं की थी, तो हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं। इसकी वजह से ये देखिए, ये सेटा पोर्ट है जो पावर केबल इसमें अटैच होती है। हाँ, इसको लगाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी पिंस जो होती है बहुत बारीक होती है, पतली होती है, अगर ये टूट जाएंगी तो फिर आपका जो हार्ड डिस्क है वो खराब हो सकता है। तो इसे साधारण से लगाएं, ये लग चुका है। अब क्या करना है हमें, हमने सारे कंपोनेंट को टेस्ट तो कर दिया है, बट हमारे मदरबोर्ड में करंट सप्लाई नहीं हुआ। तो SCPS की एक वायर होती है, ये वायर जिसे आप देख रहे हैं, इसे हमें अटैच करना होता है मदरबोर्ड के बैक पैनल्स के थोड़ा सा पीछे होता है ये। ये देखिए, ये अटैच होता है आपका। और दोस्तों, ये वायर होती है जो IDC केबल्स की यूज होती है। तो इसे छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।